मलिका शेरावत उदयपुर में अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए गई, लेकिन उनके फैंस उन्हें घेर न रहे इसके लिए मलिका ने बुर्का पहना, लेकिन फिर भी मीडिया के शटरबग्स में मलिका कैप्चर हो ही गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। सलमान खान की फिल्म मेंटल का टाइटल एक बार फिर हो सकता है चेंज, क्योंकि सलमान खान की फैमिली को मेंटल नाम इतना पसंद नहीं आ रहा। फिलहाल सलमान और उनके फैमिली मेंबर्स फिल्म को जय हो के नाम से बुला रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि सलमान की फिल्म का नाम जय हो पड़ सकता है। शाहरुख खान अब करना चाहते हैं अपनी कलिनरी स्किल्स पॉलिश। दुबई में शाहरुख का काफी बड़ा घर है, वहां जाकर शाहरुख फिलहाल अपने आप को कुकिंग में एक्सपर्ट कर रहे हैं, ताकि अपनी अपकमिंग फिल्म के कोस्टार्स को वो खुद अपने हाथों से बनाकर खिला सके। साउंड्स इंटरेस्टिंग। चित्रांगदा की फिल्म मेहरुनिसा का नाम चेंज होकर अब पहले आप जनाब हो गया है। सुधीर मिश्रा ने फिल्म की स्क्रिप्ट में भी काफी चेंजेस किए हैं, और इसलिए उन्होंने चित्रांगदा की इस फिल्म का नाम भी बदल दिया। बता दें कि फिल्म में चित्रांगदा के ऑपोजिट अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर हैं। प्रियंका और रामचरण तेजा की फिल्म जंजीर का रीमेक मुश्किल में आ गया है, क्योंकि प्रिंस टली ने फिल्म को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में ये लिखा है कि उनकी स्टंट बाइक को फिल्म में उनकी परमिशन के बिना कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया गया है। आयुष्मान खुराना ने रमेश सिप्पी की फिल्म से वॉकआउट कर लिया है। मुंबई की एक टैब्लॉइड ने खबर प्रिंट की है कि आयुष्मान को रमेश सिप्पी की एक फिल्म के लिए साइन किया जा रहा था, जिसके लिए वो तैयार भी थे, लेकिन अचानक से ही उन्होंने वॉकआउट कर लिया, जिससे मेकर्स काफी शॉक्ड है। हालांकि आयुष्मान ने इस खबर को गलत बताया है। रणबीर कपूर ने अपनी वैनिटी वैन को और भी कलरफुल बना दिया है। रणबीर ने अपनी वैनिटी वैन में हॉलीवुड के पोस्टर्स के साथ साथ काफी आर्टिस्टिक पेंटिंग्स भी बनवाई है, जिन्हें जल्द ही जूम कैप्चर करके आपको दिखाएगा। After 2 years, दीपिका finally took a break. दीपिका पादुकोण आजकल यूरोप में है, और वहाँ अपनी फुल फैमिली के साथ दीपिका कर रही है क्वालिटी टाइम स्पेंड। बैक टू बैक फिल्म स्केड्यूल्स की वजह से दीपिका को अपनी पर्सनल लाइफ के लिए पिछले 2 सालों से वक्त नहीं मिला था। कंगना रनौत जल्द ही होने जा रही है डिजिटल। कंगना बहुत जल्द अपनी वेबसाइट लॉन्च करने वाली है, जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ न्यूज के साथ साथ फैशन टिप्स भी देंगे। सलमान खान पे कर रहे हैं अपनी कोस्टार की सर्जरी के पैसे। रूमर है कि उनकी कोस्टार डेजी शाह ने रिसेंटली मुंबई में अपनी सर्जरी करवाई, जिसका बिल व्हिच इज 1.5 लाख सलमान खान ने पे किया। अमर सिंह ने श्रीदेवी के बर्थडे की पार्टी होस्ट की, जिसमें पूरा बॉलीवुड नजर आया, लेकिन इस पार्टी में बच्चन फैमिली नजर नहीं आए। वेल, बच्चन फैमिली का पॉलिटिशियन अमर सिंह के साथ काफी क्लोज रिश्ता माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनका इस पार्टी में न आना सबको हैरान कर देने वाला था।